वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, दोज हु आर प्रेजेंट इन द क्लास. सारे बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग है. स्टूडेंट्स, दिस इज टुडे वी विल स्टार्ट द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेसन 9. हम लोग लेसन 9 कंप्लीट कर चुके हैं. वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर्स. आई हैव सेंट यू द क्वेश्चन आंसर्स. सारे बच्चों को क्वेश्चन आंसर मिल चुका है. और नाउ इट्स योर वर्क. आपका काम शुरू होता है. यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. अपना काम कंप्लीट कर ले. एंड Try to match the answers with the answers which I have sent you. बहुत बच्चों को ये problem हो रही है कि मैम हम लोगों ने question answer लिख लिया है, तो आपको question answers मैंने भेज दिया WhatsApp पे. You just check it out. सारे बच्चे मिला लेंगे उसको. जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लेंगे. Because now it's high time. Students, it's a high time. You start paying attention on your studies because अब आपके annual examinations होंगे. This way in the coming month or टू मंथ्स कमिंग दो महीनों में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं. तो इट साउंड्स की बहुत ज्यादा समय है. साउंड आपको कर रहा होगा कि अभी जनवरी पूरी बाकी है. बट बच्चे आपके पास समय नहीं रहता है बिकॉज द होल बुक इज गोइंग टू कम फॉर एग्जामिनेशन. तो स्टार्ट लर्निंग. क्वेश्चन आंसर्स को करना शुरू करें याद. अब हमारे पास सिर्फ लास्ट लेसन बचा है. हम जो आज शुरू नहीं करेंगे. विल स्टार्ट ऑन सैटरडे एंड देन विल स्टार्ट टू फिनिश इट ऑन नेक्स्ट. आज का जो क्वेश्चन है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जो हम लोग का एक स्टोरी बेस्ड होता है, विच इज अ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स. वो स्टोरी जो आपके लेसन से रिलेटेड है. और ये लेसन रिलेटेड था कुकिंग हैबिट्स. द लेसन विच वी स्टडीड इन लेसन 9 दैट वाज बेस्ड ऑन कुकिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स एंड कुकिंग मेथड्स. तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स है. वी हैव गॉट डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. डिपेंडिंग अपॉन द ईटिंग हैबिट्स कुकिंग भी मेथड्स चेंज है. अगर हमें चिप्स अच्छा लगता है तो इट्स फ्राइंग मेथड. हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में या मॉर्निंग में दूध के साथ या चाय के साथ अगर बिस्किट्स ली है तो उसका कुकिंग तरीका अलग है ना. तो डिफरेंट फूड विच वी आर ईटिंग दे आर नॉट मेड इन द सेम वे. उनकी कुकिंग प्रोसीजर एक नहीं है. द प्रोसेस ऑफ कुकिंग इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. अब चाय बनती है, you need to boil it, you need to boil the water, the boiling it. If you are having the toast along with the bread, along with the tea or milk, दूध को आपने boil किया है. और अगर breakfast में आपने toast लिया है, means bread, from where you getting this bread from? What is the procedure for it? We are getting from the baking method. यही आटा है जो हमने रोटियां बनाई direct heating की तरह से. लेकिन उसी को अगर हमने flour को ओवन में डाला, व्हीट फ्लोर को, और तो जो बनी दैट वाज बिस्किट और अ ब्रेड. ओके, तो इंग्रेडिएंट्स हमारे सेम होने के बावजूद भी इनके कुकिंग मेथड उसे डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स या फूड स्टफ में कन्वर्ट करते हैं. तो दिस लेसन वाज लेसन 9 वाज अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स एंड योर कुकिंग मेथड. हम लोगों ने 5 मेथड पढ़े थे. उसमें एक बार फटाफट रिकैप करते हैं जल्दी से. पहला था बॉइलिंग विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड. Then was bake steaming, जहां पे पानी की जरूरत ही पड़ती है. पानी से भाप निकलते हैं और इसी भाप से खाना बनता है, इसी स्टीम से खाना बनता है. और वो है हमारा ढोकला. बहुत लोग राइस भी बनाते हैं. बहुत लोग पानी में चावल डाल के एक भगोने में या एक पतीले में रखते हैं और उसको स्टीम से बनता है. तो लेट इट बी. हम लोग जो बनाते हैं रेगुलर वो है स्टीमिंग के थ्रू. वो है ढोकला, इडली, मोमोज. हम बच्चों को, सारे बच्चे जो है हमारे क्लास में, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे मोमोज नहीं पसंद. शायद सब बच्चों को ये मोमोज पसंद होता है. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स जो स्टीमिंग से बनता है. देन कम्स फ्राइंग. बच्चे बोलेंगे मैम हर दिन 3 दिन से हम ये बता रही है. 3 दिन से आपको बता इसलिए रहे ताकि आपको कंठस्थ हो जाए. यू जस्ट गेट इट मक्ड अप. 5 मेथड्स. द थर्ड इज फ्राइंग. आपके जितने भी जो आपके पसंद वाले खाने हैं ना, वो आप फ्राइंग के मेथड से बनाते खाते होंगे. मैक्सिमम बच्चों को चिप्स पसंद है, फ्राइंग है, समोसे, जलेबियां, पकौड़े, ये सारे फ्राइंग मेथड से हैं, जो कि वेरी हेल्दी मेथड नहीं है. इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड इट. हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं, वंस इन अ ब्लू मून चल सकता है, कभी कभी हम खा सकते हैं. देन कम्स बेकिंग, जो कि ओवन में होता है, विच इज डन इन द ओवन. और ये ओवन में क्या होता है, विद और विदाउट आवर होता है. इसमें डायरेक्ट हीटिंग नहीं होती है, इनडायरेक्ट हीटिंग है.
कितने बच्चे के घर में, कितने लोगों ने ओवन देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ओवन? और हाउ मेनी ऑफ यू आर अक्वाइंटेड विद द वर्ड ओवन? बहुत बच्चे हाथ उठा रहे हैं. आर्या मिश्रा, अर्दे भारद्वाज, साधना कुमारी, अनुची, सानवी सिन्हा. ओके, तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ओवन. किसी के ओटीजीज होते हैं, कोई माइक्रोवेव ओवन होता है. यहाँ पे डायरेक्ट हीट नहीं होता, इसके चारों तरफ वायर लगे होते हैं, उस वायर की हीटिंग होती है और उस हीट से खाना बनता है. ओके, सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हीटिंग से ही खाना बनता है. और जनरली जो खाना बेक्ड होता है, दे आर डन इन द ओवन, और ये हमारे बेकिंग प्रोसेस था. और नेक्स्ट वॉज डायरेक्ट हीटिंग. डायरेक्ट हीटिंग मेथड जैसे कि रोटियां हो गई, लिट्टी हो गया, हमने आग में डाल के उसको पकाते हैं, तो डायरेक्ट हीट पड़ता है, एकदम आग में डाल के बनाया जाता है. तो दीज आर सेड टू बी द मेथड्स. डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ कुकिंग, हमारे फूड हैबिट्स यानी हमारे यूटेंसिल्स भी अलग है. जैसा कि हम खाना खाते हैं, हमारे यूटेंसिल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं बनाने के. स्टीमर्स हैं, तवा ग्रिडल है, बॉयलर्स हैं, इवन ओवन है. दिस वॉज ऑल अबाउट द लेसन. तो ये लेसन हमें लगता है सबसे आसान लेसन था, हमसे बहुत कोरिलेट कर रहे थे हम उसको. हम इसको अपने घर से, अपने किचन से, अपने पेरेंट्स से, अपने हैबिट से कोरिलेट कर सकते हैं. तो ऐसे लेसन हमको अच्छे से याद होते हैं. आप सारे जानेंगे इस लेसन को याद करने के लिए मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत है, बिकॉज ये लेसन आपके घर से रिलेटेड है, आपके किचन से रिलेटेड है, आपके मामा से रिलेटेड है. माँ आपको क्या खाना बना के देती है, यू नो इट. यू फूडिंग, योर ईटिंग हैबिट, यू नो इट बेटर. किसको क्या खाना अच्छा लगता है, तो ये अब जब खाना अच्छा लगता है तो आप एक बार तो मामा से जरूर पूछते हो माँ से कि माँ ये कैसे बनाया, या फिर कोई बनते हुए देखा होगा. तो ये हम अच्छे से याद रख सकते. तो ये लेसन मुझे लगता है द बेस्ट लेसन है आपके याद रखने के. आप नूडल्स खाते हैं, मैगी है, यिप्पी है, वॉट एवर दोज नूडल्स आर, हम जानते हैं कि व्हाट डू वी डू, जस्ट पानी को बॉईल करते हैं, पुट द मसाला एंड पुट द नूडल्स इनटू इट, जस्ट स्टर इट, हम इसको स्टर करते हैं एंड देन वी सर्व इट. बॉइलिंग मेथड हो. जिन बच्चों को अच्छा लगता है जलेबी, यू माइट हैव सीन योर मदर मेकिंग इट इन अ हॉट ऑयल, जहां पे हम देखते हैं मामा कढ़ाई में तेल डालती है और देन उसको उसकी बैटर को डाला जाता है कि फ्राइंग है. आज सुबह मैंने अपने बच्चे से पूछा कि यू आर गेटिंग दिस बिस्किट, यू आर मेकिंग अ बिस्किट, वेयर डू यू गेट दिस फ्रॉम? शी रिस्पॉन्डेड क्विकली कि माँ वी गॉट इट थ्रू बेकिंग मेथड. सारे केक्स, बर्थडे केक्स, दे ऑल वी गेट इट फ्रॉम बेकिंग मेथड. तो हम कोरिलेट करते हैं, जो हम खाते हैं ना, एक बार जरूर आप माँ से पूछे, माँ इसे कैसे बनाया. आप अगर माँ से पूछेंगे माँ इसे कैसे बनाया, माँ शायद आपके उस साइंटिफिक टर्म को ना बना पाए या ना बोले, बोला नहीं इसको तो तला है मैंने, यू नो इट्स फ्राइंग. या फिर माँ बोली यार इट्स फ्राइंग, हमने इसको फ्राई किया है, हमने इसे बेक किया है. तो इफ यू आस्क योर मदर कि मैंने किस में बनाया, उसके बाद जिस माँ से पूछो कि माँ ये कौन से बर्तन में बनाया, माँ बताएंगे ये स्टीमर है, ये बेकिंग डिश है जहां हमने बेक किया है. तो दिस वे यू कैन कोरिलेट द लेसन विद योर पेरेंट्स, विथ योर किचन, एंड यू विल गेट इट लर्न. आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप माँ से पूछे कि माँ बॉइलिंग वाला खाना अच्छा है, बॉइल किया हुआ या डीप फ्राइंग वाला, माँ बताएंगे आपको कौन सा अच्छा है. तो फिर देखो कि बॉइलिंग में हम क्या यूज कर रहे हैं और फ्राइंग में हम क्या यूज कर रहे हैं, द डिफरेंस वॉज देयर. आपका एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड फ्राइंग. तो बॉइलिंग में पानी यूज करते हैं, फ्राइंग में ऑयल यूज करते हैं. बॉइलिंग वाले, बॉइल्ड वाले खाने में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एट ऑल, पानी में बॉइल हो रहा है वो हेल्दी है. ओके, वेयर एज बहुत बार ऐसा होता है जब बॉइलिंग पानी को या किसी भी चीज को बॉइल करते हैं, दूध को बॉइल करते हैं, दूध अगर बॉइल नहीं करते तो फट जाता है. तो किसी भी दूध को या खीर बनाता है उसको बॉइल करे या तो उसके लॉन्जिविटी को बढ़ाता है. अब बोलेंगे मैं व्हाट इज लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी मतलब प्रिजर्वेशन. कच्चा दूध फट जाता है, लेकिन उस दूध को हम अगर बॉइल कर ले तो उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी लंबाई, रहने की लंबाई. मतलब उसको हम बिना बॉइल किए एक दिन रख सकते हैं, तो बॉइल करके हो सकता है हम 4 से 5 दिन रख सकते हैं. बिकॉज जब हम बॉइल करते हैं ना, आपके डू यू नो में ये लेसन ये है कि व्हेन यू बॉइल, आप जब बॉइल करते हैं तो मिल्क के जर्म्स मर जाते हैं एंड दे कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है ना, तो आप ट्राई टू लर्न इट, ट्राई टू गेट योर आंसर्स फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो. आपको पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, आप पेरेंट्स से पूछे और आप खुद जवाब दे पाएंगे, बिकॉज यू हैव बीन वेरी अटेंटिव
अगर आप थोड़े से अटेंशन के साथ सुन रहे हैं हमारी बातें को, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर आपके घर में मिल जाएंगे और आप उसको लर्न भी कर पाएंगे. यू कैन को रिलेट विद योर किचन, योर मदर्स आंसर्स. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेसन. आई होप एवरीबॉडी इज वेरी मच क्लियर. किसी को कोई प्रॉब्लम है या सबको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गिव अ थम्स अप. जस्ट सी, लेट मी सी हाउ मेनी आर गिविंग मी अ थम्स अप कि मैम इस लेसन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो मैं एक बार स्क्रीन को पूरा बड़ा करती हूँ और देखती हूँ कितने बच्चे, कितने बच्चे बता. वाओ, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छी बात है. पूरा क्लास आज है, किसी को कोई प्रॉब्लम इस लेसन से है, दैट्स बेटर, वेरी गुड. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड कि आप क्लास में अटेंटिव हैं. बच्चे अगेन अ रिमाइंडर, जो अभी ज्वाइन किए उनके लिए, आपके एग्जामिनेशन शुरू होंगे. आई डोंट नो द डेट, नेक्स्ट मंथ से शुरू हो सकते हैं. तो आपके पास बहुत कम समय है ना? आपके पास अब दिसंबर खत्म खत्म पे है, 15 तारीख हो चुका आज, हाफ दिसंबर गॉन. अब आपको लर्न करना है, यू हैव टू लर्न. जो बच्चों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया कॉपी, कॉपी कंप्लीट करना कोशिश शुरू करें, ठीक है? ओके, हम लोग आज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. तो सारे बच्चे अपनी बुक निकाले, एवरीबॉडी टेक आउट योर बुक. सारे बच्चे बुक निकाले. This is what the value-based question was. हमारा ये story है, तो हम लोग इस story के लिए wait करते हैं. क्या story है? और ये value-based हमारे उस lesson से related होता है. तो इस lesson पहले हम लोग story पढ़ते हैं, ठीक है? मेरे साथ अभी कौन रहेगा unmuted? तो मुझे बताएगा कि मैं मेरी आवाज कहीं कट तो नहीं रही है. कौन रहेगा? देखूं. अच्छा, किसी ने हाथ उठाया है. किसने हाथ उठाया है? आराध्या वैभव ने हाथ उठाया है. कहाँ गई आराध्या? अच्छा चलो, आर्या मिश्रा अनम्यूट हो. आर्या अनम्यूट करो. आप मेरे साथ अनम्यूटेड रहेंगी, बात नहीं करेंगे. ओके ओके मैम, वेरी गुड, थैंक यू. ओके चलो, अभी हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे, ठीक है? आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे. गुड, कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी तरफ से भी कोई आवाज नहीं हो. आपकी तरफ से आवाज आने से नो मैम. चलो गरिमा, आप अनम्यूटेड हैं. बस अनम्यूटेड रहे. ओके, तानिया वाज इनवाइटेड महिमा'स बर्थडे पार्टी. आप लोग इनवाइटेड होते हैं बर्थडे पार्टी में? और किसको बर्थडे पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है ना? हाँ, बहुतों को अच्छा लगता है. प्रांजल कल कहाँ थे? तुम्हारी आवाज में क्ली हो, तुम अनम्यूट नहीं करता है अपने आपको. बर्थडे पार्टी में अच्छा लगता है ना जाना? यस मैम, अच्छा लगता है. अच्छा, वहां क्यों अच्छा लगता है? किसको बर्थडे बुलाए तो हम लोग मना नहीं करते, हम लोग को अच्छा लगता है जाना. क्यों मैम? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह का खाना मिलता है. हाय हाय, ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं कहते. खाना मिलता तो भी क्या घर में खाना नहीं देते लोग? मम्मा तुम्हारे लिए जो बोल जो जो बोलते हैं मम्मा वो बना देती है ना. सभी की मम्मा बनाती, मुझे पता है. आपने कह दिया कि आज मुझे केक चाहिए, तो लेकिन हम क्यों एक्साइटेड होते? क्योंकि हम वो बर्थडे का बलून, हमारे घर में हम लोग हमेशा तो बलून नहीं फुला के रखते है क्या? नहीं ना. लेकिन बर्थडे के दिन घर में हमारे अलग से रौनक होती है. एक स्पेशल केक आता है, हम बलून से सजाते हैं, इसलिए हम लोग बर्थडे के लिए एक्साइटेड होते हैं. सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं बर्थडे में जाने के लिए भी, कि वहां जाएंगे तो वो बलून फोड़ेंगे, उसके केक को काटेगा तो हम लोग केक खाएंगे. ऐसा थोड़ी है हम केक घर में नहीं बनाते या मम्मा नहीं लाती, सबके यहाँ लोग लेके आते हैं. लेकिन बर्थडे का क्रेज बच्चों को बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर फ्री. कोई नहीं कहता कि बलून मत फोड़ो या क्या कहें उसको. आजकल तो बलून्स भी तरह तरह के आते हैं ना, कुछ म्यूजिकल होते हैं, कुछ फूटते ही नहीं है, कुछ बलून्स के अंदर टॉफी डाल देते हैं, उसको फोड़ा जाता है तो ब्लास्ट के साथ सारे चॉकलेट्स गिरते हैं. तो सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं. मैं भी हुआ करती हूँ अभी भी, मुझे कोई बर्थडे पार्टी बुलाता है ना तो मैं उस बलून्स के लिए ही जाती हूँ. मुझे अच्छा लगता है वो सारे बलून्स को देखना. आई जस्ट लव इट, मुझे बलून्स पसंद आता है. तो एवरीबॉडी इज, तो प्रांजल भी इसीलिए एक्साइटेड हम होते हैं क्योंकि हमें तरह तरह का बलून एक साथ देखने को मिलता है. कोई मना नहीं करता कि तोड़ो, मना करता है क्या?
आप किसी घर जाते हैं तो कोई मना करता है बलून मत तोड़ो, अरे बोलते हैं तोड़े 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 दो, ये तो बच्चा है, उस दिन मौका होता है हम लोग को, कुछ भी तोड़ो बोलो कोई मना नहीं करता, चुप रंजित होता है ना, होता है। यस 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 यार, मैम हाँ तो यस मैम इसीलिए हमें बर्थडे जाना पसंद होता है, और अगर फ्रेंड का बर्थडे हो तो और मजा आता है, कि ऐसे तो फ्रेंड्स हमारे घर नहीं आ पाते, उस दिन सारे फ्रेंड्स एक तरह से एक जगह जुटते हैं, हम लोग एक तरह का पसंद का खाना मिलके खाते हैं, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो बर्गर हो, हम लोग सारे मिलके खाते हैं एक साथ, तो मिलके खाना सबको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। यस मैम हाँ, और फ्रेंड्स के साथ मिलके मस्ती करना तो सबको अच्छा लगता है। ओके, तो तानिया का बर्थडे है, तानिया सॉरी तानिया का बर्थडे नहीं है, बर्थडे है महिमा का, और तानिया का इनवाइट किया गया है, हमें भी इनवाइट करता हम भी जाते, है ना प्रांजल। ओके, सो तानिया का तानिया को नहीं, तानिया इज इनवाइटेड, ओके, महिमा का बर्थडे पार्टी है, तानिया इनवाइटेड हुई है, एंड शी वाज एक्साइटेड टू मीट हर फ्रेंड्स, और बहुत एक्साइटेड है, वहां जाएगी, जैसे गरिमा अभी बहुत एक्साइटेड है, इश स्कूल खुलता तो हम भी साधना से मिलते, तो जिया से मिलते, सारे मिलके आप मस्ती करते, लंच शेयर करते, खेलते, मैं सही बोल रही हूँ ना। यस मैम यस मैम, के उदय भी पीछे से बोल रहा, हाँ मैम स्कूल खुलता ना तो हम भी अभिनव के साथ थोड़ा खेलते मस्ती करते, है ना अभिनव, है ना के उदय। यस मैम यस मैम, यू कैन आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, मुझे समझ में आता है, बच्चे सारे दुखी हैं, लेकिन अब पीरियड ऐसा है बेटा, कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज, बर्थडे पार्टी के लिए हम एक्साइटेड इसलिए होते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, खूब मस्ती करेंगे, सारे फ्रेंड्स मिलके ये करेंगे। अभी कुछ 2 दिन 3 दिन पहले आराध्या किसी बर्थडे पार्टी में गई थी, पूछो उससे, बलून से खेला, फोड़ा, किक मारा बलून को, सो शी लव्ड इट। ओके, सो एवरीबॉडी लव्स डूइंग दिस, हर बच्चा पसंद करता है। महिमा की मम्मी ने क्या किया, शी अरेंज मेनी फूड आइटम्स लाइक स्प्राउट्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, उपमा, इडली, कटलेट्स। महिमा की मम्मी ने, बच्चे इनवाइटेड थे तो उसने बहुत तरह का खाने का भी अरेंजमेंट किया, स्प्राउट्स बनाया। यू नो व्हाट इज स्प्राउट, ये होते हैं, आपको स्प्राउट का पता है क्या, किसको स्प्राउट कहते हैं, नो मैम पता है, मैं अभी बताऊंगी तो बोलेंगे हाँ मैम मैंने खाया है। अच्छा, आपने कभी देखा है मम्मी, समोसे नहीं, स्प्राउट मतलब समोसे नहीं, स्प्राउट्स मतलब होता है, आपने मम्मी को देखा है चना को भिंगो के रखती है, और 2 दिन अगर वो चना रह जाए तो लंबे लंबे उसमें से जड़ निकल के आते हैं, रूट्स, मामा करती है ऐसा, यस मैम हाँ जी, तो उसको कहते हैं स्प्राउट, मैम अंकुरण, यस मैम हाँ अंकुरित दालें हैं, अंकुरित चना, दैट इज कॉल्ड स्प्राउट्स। तो मामा ने अभी आप देखेंगे किसी भी अच्छे फंक्शंस में, ये स्प्राउट्स जो है इट्स वेरी हेल्दी, इसमें कुछ नहीं है, बट इट्स रिच, बहुत रिच इन प्रोटीन है, तो स्प्राउट्स दिया मम्मी, उसकी मम्मी ने स्प्राउट लगाया, फ्रेंच फ्राइज बनाए, आलू के मोटे मोटे फ्रेंच फ्राइज बनाए, बर्गर्स रखे, उपमा रखा, इडली बनाया, कटलेट बनाया। ये उदय को कभी भूख लग गई है बर्गर का नाम सुन के, हाय हाय हम भी खाए होते, महिमा ने हमें क्यों नहीं बुलाया, ये उदय भूख लग गई, नहीं लगी, ओके यस मैम, चलो मम्मी को बोलो आज ही तुम्हें उपमा बना के खिलाएगी, बर्गर बना के खिलाएगी। ओके, आफ्टर द केक वाज कट, बनाई थी आज ब्रेकफास्ट अरे वाह, तुमने अकेले अकेले खा लिया, क्लास में भी कम से कम दिखाए होते तो हम भी देखते कि आपके घर में केक बना, आपने केक काटा अकेले अकेले, प्रांजल देख लो ये अकेले अकेले केक खा लिया, हम लोग को बताया अभी नहीं। केक कैसे बना, कौन सा मेथड था कुकिंग का, केक बना था, उपमा बना था, केक उपमा बना था, वेरी गुड, चलो ओके, सो आफ्टर द, बनाती है मम्मी जब बोलने से अच्छा चलो ठीक है, आफ्टर द केक वाज कट, जब केक कटिंग हो गई, तानिया हेल्प महिमा इन सर्विंग द फूड, तानिया तो महिमा की फ्रेंड है, तो उसने क्या किया, महिमा को की मम्मी को हेल्प किया फॉर सर्विंग द फूड, यानी केक कटा, केक को हम लोग सर्व भी तो करते हैं, व्हाइल डूइंग सो जब तानिया सबको दे रही थी, फूड को सर्व कर रही थी, उसने देखा क्या, शी ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स टुक फ्रेंच फ्राइज, कटलेट्स एंड बर्गर्स। जब तानिया ने अपने फ्रेंड को हेल्प करने के लिए सारा फूड को घुमाया तो देखा कि सारे लोग जो बच्चे थे मैक्सिमम जो थे वो क्या खा रहे थे, फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे, कटलेट्स खा रहे थे, बर्गर खा रहे थे, बहुत कम बच्चे ही क्या खा रहे थे, इडली, उपमा। लेकिन तानिया ने ऑप्ट किया
ये सारा खाना कौन सा? उपमा और इडली। तानिया ने ऐसा ही ऑप्ट किया, तानिया ने उन बच्चों की तरह केवल बर्गर नहीं खाया, उसने ऑप्ट किया उपमा एंड इडली। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है। अब है क्वेश्चन, तानिया का बर्थडे है, सारा खाना टेबल पे लगा हुआ है और सारे प्लेट से मैं खाना ले रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को बर्गर खा रहे हैं, ये ले रहे हैं, देखो बर्गर उठा उठा के ले रहे हैं, लेकिन इडली और उपमा वैसे ही पड़ा हुआ है, उपमा का प्लेट सामने है देखो वो नहीं ले रहा है ना, सारे लोग क्या उठा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज लाइक दैट, बर्गर, ये देखो प्लेट में बर्गर उठा रही है, खा रहा है फ्रेंच फ्राइज, है ना, तो क्या ये हेल्दी था? गरिमा कौन सा खाना ज्यादा हेल्दी है? मैम बोलो, नेम द हेल्दी फूड आइटम सर्व्ड इन द पार्टी, पार्टी में हेल्दी फूड, वेरी गुड, स्प्राउट, और क्या है, और क्या हेल्दी है, इडली, इडली में क्या है, व्हाट इज देयर इन द इडली, इडली है ना, इडली सर्व हुआ है यहाँ पे, यस मैम, हाँ, इडली में क्या है, कुछ नहीं, स्टीम पे बना है, मोस्ट हेल्दी थिंग है, उसमें कोई ऑयल नहीं है, तो नेम द हेल्दी फूड आइटम्स, तो इसमें है इडली, उपमा, ये हमारे हेल्दी फूड आइटम है, एंड स्प्राउट्स, तो खैर कोई जवाब ही नहीं है उसका। ओके, तो आज के उदय ने हेल्दी फूड खाया है, दैट इज उपमा, वेरी गुड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट चॉइस ऑफ तानियास फ्रेंड, क्या पता चल रहा है तानिया के फ्रेंड के बारे में, कौन बताएगा, रेज योर हैंड, जो ईटिंग हैबिट्स है उसको देख के क्या पता चल रहा है तानिया के फ्रेंड्स के बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चॉइस ऑफ तानियास फ्रेंड, चलो मैं देखूं कितने लोगों ने हाथ उठाया है, लेट मी सी, 10 पार्टिसिपेंट्स, कौन बोलेगा यार, आराध्या कुमारी 4-3-E बताओ क्या बताता है चॉइस ऑफ तानियास फ्रेंड्स के बारे में, व्हाट इज द चॉइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आराध्या आप अनम्यूटेड हैं, बोलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चॉइस ऑफ तानियास फ्रेंड, क्या पता चलता है तानिया के फ्रेंड के बारे में, उसके चॉइस के बारे में, because he was good, no, Arya Mishra, you want to give this answer, yes ma'am, follow, they loves to eat fried food and burger, very good, this shows that Tanya's friend are foodie, they love to eat the fried foods, the fast food, क्या वो हेल्दी है, क्या वो हेल्दी है बेटा, no ma'am, no, it is not very healthy, once in a blue moon चल सकता है, ठीक है, once in a blue moon चल सकता है, लेकिन regular basis में, अब आप भी कह सकते हैं मैम वो तो birthday party में गए थे, ठीक है birthday party में ही हम गए हो, लेकिन अगर इस तरह का option हो तो हमें दोनों को मिला जुला के लेना चाहिए था, okay, okay, how do you help your friend at birthday party, गरिमा बताओ इसका आंसर, अपने फ्रेंड को कैसे हेल्प करते हो बर्थडे पार्टी में, हाउ डू यू हेल्प योर फ्रेंड, मैम, हाँ मैम, आप, अच्छा चलो बर्थडे पार्टी की बात है, आप अपने स्कूल में कैसे हेल्प करते हो, किसका बर्थडे पार्टी, बर्थडे होता है, हाउ डू यू हेल्प योर फ्रेंड, गरिमा कैन यू हियर मी, गरिमा यस मैम, कैसे हेल्प करते हो बेटा, कैसे हेल्प करते हो बोलो, यस मैम, कैसे हेल्प करते हो, तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे हो, आई हेल्प, बोलो, आई हेल्प हर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, अरे देखो, टॉफीज अमंग द स्टूडेंट, वाह वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर, यस, अब स्कूल में आपके फ्रेंड्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं तो हम लोग पहले एक्साइटेड होते हैं, टॉफी लाए हो, और उसके टॉफी आने के बाद मैं जाऊंगी इसके साथ, अपना सिद्धि सर पे हाथ रखे बैठी है, अपना जाती है फ्रेंड्स के साथ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने, अपना, आर यू स्लीपिंग बेटा, प्रियांशु रंजन 3B, प्रियांशु, यस मैम, कभी ऐसे जाते हो, यस मैम, कभी ऐसे जाते हो फ्रेंड्स के साथ, यस, हाँ, तो हम अपने फ्रेंड्स को ऐसे ही हेल्प करते हैं बाय गोइंग accompanying him or her. Ma'am, your voice is not coming. My voice is not coming? Ma'am, your voice is coming.
हाँ जी थैंक यू प्रांजल, मेरी आवाज आ रही क्लियरली? मैम योर वॉइस इज कमिंग. ओके थैंक यू. यस मैम. ओके योर वॉइस इज क्लियर. थैंक यू बेटा, थैंक यू, क्लियर. तो बच्चे हम लोग पेशेंट्स में है. हाउ डू हेल्प योर फ्रेंड एट हिज बर्थडे पार्टी? वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड इन आवर बर्थडे पार्टी बाय सर्विंग देयर फूड. खाने को सर्व कर दिया, मम्मा ने खाना अरेंज कर दिया टेबल पे, तो सबको बारी बारी से सर्व कर दिया. या फिर केक्स कटे, उसकी सर्विंग कर दी. तो वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स लाइक दिस. व्हाट फूड आइटम विल यू सर्व एट योर बर्थडे पार्टी? चलो ये तो मैं किसी और बच्चों से भी पूछूंगी, अपने बर्थडे पार्टी में क्या क्या खाना सर्व करवाओगे? सौम्या श्रद्धा अनम्यूट करो. अपने बर्थडे पार्टी में क्या क्या खाना बनवाना है? व्हाट फूड आइटम वुड यू सर्व एट योर बर्थडे पार्टी? चलो मुझे बताओ, एक दो खाने का नाम बता दो. तुम्हारी बर्थडे पार्टी में क्या करोगे? मैम पनीर. ओके पनीर पूरी. पनीर पूरी. ओके पूरी आ गई, यानी फ्राइड फूड आ ही गया. मैम समोसे. अगेन अ फ्राइड फूड. बाप रे, तुम्हारे बर्थडे पार्टी में तो लोग भाग जाएगा इतना फ्राइड फूड खिलाओगी तो. ओके चलो, दिस वाज ऑल अबाउट यूज. ओके ये सुनो, वेरी गुड. सुनो सारे बच्चे इस बात को, सुनो सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे कि अपने आप को म्यूट करें. म्यूट करें, आप लोग की आवाज आना शुरू होगी. बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे. आपके बर्थडे पार्टी में आप किसको किसको बुलाएंगे ये नहीं, आप क्या क्या फूड आइटम रखेंगे, मेन्यू डिसाइड करो. हाँ एटलीस्ट 5 मेन्यूज. ओके आप अपना मेन्यू डिसाइड करके कॉपी लिखिए कि व्हाट आर द फूड आइटम्स यू वांट टू बी इन योर बर्थडे पार्टी. अभी जिसके रिसेंटली आने वाले हैं, कितने बच्चों के रिसेंटली आने वाले हैं? हाथ उठाओ तो जल्दी देखो, हाथ उठाओ स्क्रीन पे. कितने बच्चों के रिसेंटली बर्थडे आने वाले हैं? अरे बाबा बहुत सारे बच्चों के हैं. माय गुडनेस, आदित्य राज का दिख रहा है, उसके बाद मयंक करण का, शिवेश का, प्रांजल का भी दिख रहा है, आदित्य राज का भी दिख रहा है, गौरव सिंह का भी दिख रहा है. बाप रे बहुत सारे बर्थडे हम लोग को मिलेंगे अभी. तो सबसे मैं पूछूंगी कि क्या क्या फूड आइटम सर्व किया है, कितने हेल्दी है और कितने फ्राइड है. ओके चलो वेरी गुड. अभी हम लोग वापस स्क्रीन पे आते हैं, वापस स्क्रीन पे आते हैं. सारे बच्चे आइए बुक पे वापस. समथिंग टू डू में आइए. क्रॉसवर्ड पजल. आपको क्रिस क्रॉस मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है, ऊपर से नीचे नहीं, लेफ्ट टू राइट. ए, इट इज यूजुअली डन इन ओवन. कौन बताएगा? इट इज यूजुअली डन इन ओवन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो ओवन में किया जाता है? रोहित नारायण सिंह, व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? रोहित नारायण सिंह, व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? सिद्धांत राज ने हाथ उठाया, बोलो सिद्धांत, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? यस इट इज बेकिंग. लिखिए उसको बेकिंग. सारे बच्चे लिखिए बेकिंग, लिखिए. म्यूट करो बेटा, म्यूट करो. ओके इट इज बेकिंग. क्रॉस में नंबर टू नीचे है, देखो डाउन. पर्ल्स आर यूजुअली मेड बाय यूजिंग दिस मेथड ऑफ कुकिंग. क्या होगा बी? बी क्या होगा? बी का क्रॉस. ऋषभ राज बोलो, ऋषभ बोलो क्या होगा? ऋषभ राज बोलिए, अनम्यूट करो बेटा. पहले अनम्यूट नहीं करे से तो बोल ही नहीं पाएंगे. ऋषभ राज अनम्यूट करो. ऋषभ राज, अलीशा बोलो, व्हाट इज इट? अलीशा यस मैम बोलिए क्या है. yes, क्या है वो? पल्सेस आर यूजुअली मेड बाय मेकिंग यूजिंग दिस मेथड ऑफ कुकिंग. क्या होगा? पल्सेस को कैसे बनाते हैं हम लोग? अलीशा बोलिए, अलीशा बोलिए, अलीशा बोलिए, पल्सेस कैसे बनाते हैं?
बोल रहे पल्सेस केक कैसे बेटा पल्सेस आर यूजुअली मेड बाय यूजिंग दिस मेथड ऑफ कुकिंग हम दाल कैसे बनाते हैं कौन से मेथड से आदित्य राज थ्री ई सीधा बैठो तो यस बॉइलिंग बॉइलिंग यस इट इज बॉइलिंग वेरी गुड तो नंबर बी इज बॉइलिंग लिखिए उसको बॉइलिंग बी ओ आई एल आई एन जी अब ऊपर से नीचे आएंगे ऊपर से नीचे अ लॉट ऑफ ऑयल इज यूज इन दिस मेथड क्या होगा कौन से मेथड में बहुत सारे ऑयल की यूजेस होती है ऊपर से नीचे क्या होगा ट्री बोलो आदित्य से ना वीडियो ऑन करो अपना क्या होगा नहीं अ लॉट ऑफ ऑयल इज यूज्ड मैम फ्राइंग यस इट इज फ्राइंग वेरी गुड व्हाई डू यू हेजिटेट क्यों कर रही हो बेटा फ्राइंग एफ आर वाई आई एन जी और ट्री म्यूट करो अपने आप को अजय से अनम्यूट करो कुक फूड कुक बाय दिस मेथड इज जनरली इजी टू डाइजेस्ट जिस मेथड से खाना बनता है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है जिससे मोमोज बनते हैं कौन सा मेथड है वो इडली मोमो ढोकला स्टीमिंग वेरी गुड स्टीमिंग स्पेलिंग बताएंगे आप विल यू टेल द स्पेलिंग एस टी ई ए एम आई एन जी लिख लीजिए एस टी ई ए एम आई एन जी ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स आपका आज का ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए एवरीबडी मस्ट कंप्लीट दिस सारे बच्चे इसको कंप्लीट कर लेंगे कॉपी में और ये कंप्लीट हो जाएगा आज आपके मैंने क्वेश्चन आंसर आज मॉर्निंग में भी आपको भेज दिया है यू मस्ट हैव सीन लेसन 9 कंप्लीट हो जाना चाहिए शनिवार को हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज द लास्ट चैप्टर वाटर सोर्सेस ऑफ वाटर एंड ऑल ये लेसन खत्म होने के बाद मैं करेक्शन करूंगी आपका सब क्लास वाइज सेक्शन वाइज ठीक है तो तब तक आपके पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए आज के क्वेश्चन आंसर सबको तुरंत मिलेंगे वैल्यू बेस के इस बीच में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो रेज योर हैंड अगर किसी भी बच्चे को कुछ मुझसे पूछना है तो हाथ रेज करें एनीबडी हु वांट्स टू आस्क समथिंग किसी को कुछ पूछना है आदित्य राज 3E हां जी बोलो आदित्य राज क्या पूछना है हाथ फिट डाउन कर ले किसी को पूछना है जल्दी पूछो रेज योर हैंड दोज हु वांट टू आस्क समथिंग किसी को कुछ नहीं पूछना कीर्ति डू यू वांट टू आस्क समथिंग आपके हैंड अभी भी रेज्ड हैं बोलो मैम बोलो मैम मैं पूछ रही थी कि ऑन में बी का क्या होगा इसमें बेटा फिर से बोलो मैम ऑन में बी का क्या होगा ऑन में मैम डाउन में नीचे वाला भी जो कराई थी आप समथिंग स्टीमिंग 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 ये बी S T A A ये वाला ना yes ma'am steaming S T E A M I N G steaming thank you ma'am और किसको पूछना है आदित्य राज 3E बोलो क्या पूछना है तुम तो पूरे क्लास हाँ बोलो बोलिए ma'am ma'am आप सबसे पूछे लेकिन मेरे से नहीं पूछे आपसे पूछी मैं आप तो च्युइंगम चबा रहे थे आपसे मैंने पूछा था बेटा आपने जवाब ही नहीं दिया अनम्यूट ही नहीं किया मैं आपको लगातार पूछ रही थी आपने जवाब ही नहीं दिया अनम्यूट नहीं किया चलो कीर्ति मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ आदित्य से पूछ रही हूँ बोलो क्या तुमको पूछना है तुम्हें कुछ पूछना है आदित्य यू वांट टू आस्क समथिंग नो मैम बस यही पूछना था क्या पूछना था व्हाट इज एन ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग बताओ नेम ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग Oldest method of cooking. Bully? What is the oldest method of cooking? Name two methods which require water. Name two methods of cooking which required water. इसका जवाब दीजिए आपको मैंने ये कहा है अभी सभी बच्चों को ये वो लेसन है जो आपके घर से रिलेटेड है आपके घर के सारे काम उससे होते हैं आपके किचन से रिलेटेड है आप रोज खाना खाते हैं तो यू मस्ट लर्न दिस लेसन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है
आपको खुद को याद हो जाएंगे. तो नेम टू मेथड्स ऑफ कुकिंग व्हिच रिक्वायर वाटर, जो हमारे स्क्रीन में दिख रहे हैं. मेरे पास नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है. मैं नानी घर हूँ. बुक नहीं है. बुक नहीं बेटा, बुक की जरूरत ही नहीं है. मैं आपको एवरीडे जो वीडियोस दे रही हूँ आप उसको भी पढ़ लेंगे तो भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अलीशा बोलो बेटा, टू मेथड्स ऑफ कुकिंग व्हिच रिक्वायर वाटर. मैम मैम नंबर वन में है. बोलिए थोड़ा फास्ट, हमारा टाइम खत्म हो रहा है. टू मेथड्स ऑफ कुकिंग व्हिच रिक्वायर वाटर. अनिल कुमार गुप्ता के नाम से कौन बच्चा है, इसने अभी तो रीनेम नहीं किया. बोलो अनिल कुमार गुप्ता के नाम से बच्चे हैं, बताइए. टू मेथड्स ऑफ कुकिंग व्हिच रिक्वायर वाटर. मैम बॉइलिंग. वेरी गुड. बॉइलिंग तो पानी की जरूरत है. और दूसरा मेथड मैम स्टीमिंग. वेरी गुड. यस, स्टीमिंग में क्या होता है, पानी बॉइल किया जाता है, उसका स्टीम निकलता है और उस स्टीम पे खाना बनता है. दैट इज इजीली डाइजेस्टेबल, इसीलिए